डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से है। इसके बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो देख सकते हैं लास्ट में आपको टिकटॉक का लोगो आ जाता है, तो उसे सबसे पहले हमें रिमूव करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देना है। सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करते हैं, ऑडियो फेड आउट को ऑफ करते हैं, क्योंकि लास्ट का जो साउंड होता है हमारा स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे स्लो नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है ग्रीन स्क्रीन में, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी ग्रीन स्क्रीन में भी वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो शूट कैसे करना है, सिंपल टिकटॉक का ओपन करना है। ओपन करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे दूंगा, और उसी साउंड पर आपको वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लेना है, और वीडियो को आपको प्राइवेट में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसे डन करते हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट यदि आपको दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले क्रॉप कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आप क्रॉप भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट यदि है तो। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर तो रिमूव हो गया, लेकिन प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल शो मास्क पे क्लिक करना है, और ये जो आपका दिख रहा है ये आपको ब्लैक, जो बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा था उसे आपको कुछ इस तरह से ब्लैक कर देना है, और ये जो आपको बॉडी जो दिख रहा है बॉडी को आपको कुछ इस तरह से वाइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है, लेकिन साइड में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो उसे हमें कुछ इस तरह से क्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसे क्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड में दिख रहा था वो रिमूव हो चुका है, अभी भी परफेक्ट रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको फिर से आप क्रोमा की इनेबल करते हैं, इसके बाद पे आते हैं और यहाँ से आपको सही से एडजस्ट आपको कर देना है। डन करते हैं, अब देख सकते हैं हमारा क्रोमा की प्रॉपर रिमूव हो चुका है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको जूम करना है और सही से आपको एडजस्ट कर लेना है साइड में। इसके बाद डन करते हैं, इसके बाद जो हमारा वीडियो है इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और साउंड को हमको म्यूट कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, और हमारा वीडियो भी प्रॉपर तैयार हो चुका है। अपने हिसाब से एडजस्ट करना है आपको, कहाँ पे लगाना है, साइड में लगाना है साइड में लगा लेना। इसके बाद डन करते हैं, देख सकते हैं वीडियो तैयार हो चुका है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो टिकटॉक पर फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।